दोस्तों, अगर आपका भी पीएनबी बैंक में अकाउंट है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका बैंक खाता है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीएनबी वन में आपको फर्स्ट टाइम मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको कैसे मोबाइल बैंकिंग चालू करनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टैग। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करते ही आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ कहेगा, तो यहां पर आपको अलाउ करते जाना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, तो यहां पर एक ऑप्शन है न्यू यूजर, तो आपको बस न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर नीचे से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर जो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन चैनल, तो आपको यहां पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, तो आपको यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको आप एज इट इज रहने देंगे व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर। अब आप सबसे ऊपर यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता तो आप अपने बैंक की पासबुक पर देख सकते हैं। इसके अलावा रेफरल कोड में आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे और नीचे से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट के साथ में, जो भी अपने अपने बैंक खाते के साथ में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा वन टाइम पासवर्ड, उसको आप यहां पर फिलअप करेंगे। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। उसके बाद आपको नीचे से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहां पर आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करने के लिए आपका जो डेबिट कार्ड है यानी कि एटीएम कार्ड है, वो उसके जो नंबर है आपको यहां पर एंटर करने पड़ेंगे, आपके एटीएम कार्ड के ऊपर लिखे रहेंगे। इसके बाद आपका जो एटीएम पिन है, यानी कि जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, जो भी आपका एटीएम में पिन एंटर करते हैं, वही आपको एटीएम पिन यहां पर एंटर करना होगा। और उसके बाद आप नीचे से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक और पेज यहां पर खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर जो है साइन इन पासवर्ड एंटर करना होगा और आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। और दोस्तों, आपको नया पासवर्ड कैसे बनाना है, यहां पर आप नीचे देख पाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है व्यू पासवर्ड पॉलिसी, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर बताया गया है कि आपको पासवर्ड किस टाइप का बनाना है। जैसे कि आप मिनिमम 6 कैरेक्टर का और मैक्सिमम आप 28 कैरेक्टर्स का यहां पर जो है पासवर्ड बना सकते हैं विदाउट किसी स्पेस के। इसके अलावा आपको नंबर का भी यूज करना है। इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे @_ इस तरीके से यूज करना है। इसके साथ साथ आप जो है इंग्लिश के लेटर का भी यूज करेंगे। तो हमने यहां पर अपना एक जो है साइन इन पासवर्ड एंटर कर लिया है, उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऊपर वाला पासवर्ड नीचे एंटर करेंगे, इसके अलावा आपको दूसरा टाइप का पासवर्ड डालना है, जो कि होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। और दोस्तों, ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपसे तब पूछा जाएगा जब आप कभी भी पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो उस टाइम पर आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछा जाएगा। और जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो आपका साइन इन पासवर्ड से अलग होना चाहिए, आपका सेम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपना नया ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को आप दोबारा से नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म करते ही आप नीचे से इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख पाएंगे हमारा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है और हमें एक नया यूजर आई डी मिल चुका है। तो चलिए हम डायरेक्टली नीचे से यहाँ पर जो है साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें जो भी यूजर आईडी मिला था उसको हम यहां पर एंटर कर लेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मेरे फोन पर एक ही सिम कार्ड है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, उसको आप यहां पर फिलअप करेंगे और नीचे से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अब आपको मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने के लिए एक एम पिन सेट करना होगा 4 नंबर का, यानी कि मोबाइल पिन। और इस पिन को आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे और जो भी पिन आप बनाएंगे उसी पिन को आप दोबारा से नीचे री एंटर करेंगे। और रेफरल कोड में आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं डालना है और नीचे से आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आप देख पाएंगे आपका एम पिन जो है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हम नीचे से साइन इन पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने एक नया एम पिन सेट किया था उसको हम यहां पर एंटर कर लेंगे और आपका मोबाइल बैंकिंग यहां पर जो है लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका आप यूज कर पाएंगे, जैसे कि आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे और अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। जैसे अगर आपको अपने अकाउंट की डिटेल चेक करनी है, तो आपको यहां पर सेविंग्स का एक ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर दिख जाएगा और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी आपको यहां पर दिख जाएगा। तो इस तरह
तरीके से आप बहुत ही आसानी से मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर पाएंगे।